आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने एक्सरसाइज को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया, अब हम चले जाते हैं सेम परसेंटेज पर प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका इंग्लिश वोकेबलरी अच्छा हो। क्या अच्छा हो? इंग्लिश वोकेबलरी। अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो इंग्लिश अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सवाल को पढ़ो कि अब बास्केट ऑफ 125 एप्पल्स हैज 20% रॉटन एप्पल्स। रॉटन का क्या मतलब होता है? सड़े हुए, ठीक है? तो बास्केट में कितने एप्पल्स है, उसके कितने परसेंट सड़े हुए एप्पल है? तो हाउ मेनी आर गुड टू बी सोल्ड, तो कितने एप्पल्स हैं जो अच्छे हैं और उसको हम बेच सकते हैं। कितने एप्पल्स अच्छे हैं और हम उसको बेच सकते हैं, तो कितने एप्पल्स को तुम बेच सकते हो? देखो, क्या मैं इसको, अगर इस स्टेटमेंट को मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो क्या मैं ऐसे लिखूं, हियर यहां पे टोटल एप्पल्स कितने हैं? 125। उसमें से खराब कितने हैं? तो खराब हमें माइनस करेंगे तो ही अच्छे वाले मिलेंगे। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, टोटल एप्पल्स माइनस 20% आर रोटन। तो खराब वाले एप्पल्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कौन से एप्पल्स बचेंगे? अच्छे वाले। तो गुड टू बी सोल्ड, गुड टू बी सोल्ड, हाँ या ना? अभी भी ये ऑलमोस्ट स्टेटमेंट जैसा ही है, अभी भी इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ। टोटल एप्पल्स कितने हैं? 125। उसमें से कितने सड़े हुए हैं? 20%। किसके 20%? टोटल के ना, तो 20% ऑफ टोटल लिखो तो चलेगा? क्रिश जी सही जा रहा हूं? ओके, इक्वल्स टू गुड टू बी सोल्ड कितने हैं? 80%, मतलब 80% है, पर वो डायरेक्ट ढूंढो तो भी सही है, नहीं तो इसको कुछ ले लो, एक्स मान ले, हमें एक्स ढूंढना है। अभी 125 को एज इट इज रहने दो, माइनस 20 मल्टीप्लाई 1/100 और टोटल 125 इज इक्वल्स टू एक्स। अभी इसमें कुछ कटकुट हो सकता है क्या? कहाँ? ये जीरो और ये जीरो कट, फिर 2 5 10, 5 25 125। तो बचा क्या? अच्छा, ये साइड भी चेंज कर लूँ अगर मैं, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ, एक्स इज इक्वल्स टू 125 माइनस 25। सो एक्स इज इक्वल्स टू वॉट? 100। 100 एप्पल हैं जिसको हम बेच सकते हैं, तो कितने एप्पल खराब थे? 25। वेरी नाइस। अभी देखो, ये एक तरीका, ये है आम जिंदगी, अब मेंटोस जिंदगी, जो तुमने बोला कि अगर 20% एप्पल खराब है तो कितने प्रतिशत अच्छे हैं, क्योंकि टोटल कितना होता है। तो अगर ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे ही, ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ इफ नहीं, ये भी इजी है, इफ 20% आर रोटन देन 80% ऑफ टोटल आर गुड, हाँ या ना? तो क्या मैं ऐसे लिखूं, 80% यानी कि 1/100 ऑफ टोटल यानी कि 125, आर यानी कि इक्वल्स टू गुड यानी कि एक्स। कुछ कटकुट हो सकता है क्या? 0 0। और कुछ कट हो सकता है क्या? 2 4 8, 2 5 10, 5 25, और 25 4 100 ना, तो एक्स इज इक्वल्स टू 100। ये भी एक तरीका हो सकता है। आपको कौन सा अच्छा लगा तो ये करो, अगर वो अच्छा लगा तो वो करो।
वो छोटा सॉल्यूशन है तो वो कम मार्क्स के लिए लिखना ज़्यादा बेहतर है, ये बड़ा सॉल्यूशन है तो ज़्यादा मार्क्स के लिए लिखना बेहतर है। क्लियर है? लिख लो, सवाल मत लिखना। राइट, स्टेटमेंट ही मेन है। चलो एग्जांपल टू, अ स्टूडेंट्स सिक्योर्स 85% मार्क्स इन द मैथ्स एग्जाम। मान लो स्कूल की कोई एग्जाम हुई, ठीक है, मैथ्स की बड़ी वाली एग्जाम हुई और आपके 85% आए, कितना है 85% आए। इफ शी गेट्स, अभी आप थोड़ी देर के लिए शी बन जाओ और क्या, इफ शी गेट्स 425 मार्क्स, फाइंड द मैक्स मार्क्स इन द पेपर। यहाँ पे मैक्स मार्क्स समझो या टोटल मार्क्स समझो, दोनों एक ही है। आपको जब एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं तब आपको फ्रैक्शन फॉर्म में मिलते हैं, राइट? ऐसे ही मिलते हैं ना, फ्रैक्शन फॉर्म में, लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे। जैसे कि हाँ, आपको ऐसे मार्क्स मिलते होंगे ना फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको बोलते क्या है, 9 out of 10 में से 9, फ्रैक्शन फॉर्म है, याद है ना? ये होल, ये क्या, तुमने ये डेफिनेशन नहीं बताई थी, पार्ट अपॉन होल, पूरे में से कितना, उसी को तो फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन की डेफिनेशन में ये है। तो इसका मतलब क्या होता है, 10 में से 9, इसको 0.9 थोड़ी बोलते हैं। तुम लोग बोलोगे सर ये तो मुझे तो 0.9 नहीं, आप लोगों को 10 में से 9 मिले, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। और वो समझ रहे हो ना कि पूरा वो रियलिटी क्राइसिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब 10 में से 9 मार्क्स हैं, हाँ या ना? ऊपर वाली चीज क्या है और नीचे वाली, ओ अच्छा, जब एग्जाम होता है तो ऊपर लिखते हैं ओप्टेन अपॉन टोटल, याद है ना? कभी कभी मैम आपको ऐसे भी मार्क्स देती है, तो 0.98 नहीं है, ये क्या है, 98 out of 100, तो ये क्या है, ऑप्टेन। ये ऑप्टेन का मतलब होता है कितने आपने लिए और ये है कितने थे, राइट? तो अभी आप लोग यहाँ पे अगर देखो तो आपको कितने मार्क्स मिले हैं, 425। टोटल कितने हैं नहीं मालूम है, टोटल ही ढूंढना है। देखो मैक्स मार्क्स हमको ढूंढने हैं और हमें परसेंटेज दिया गया है, कितने परसेंटेज है, 85%। आप लोग परसेंटेज कैसे निकालते हो, मतलब आपको याद है, जैसे कि मान लो आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हों, राइट, हाँ, तो सम ऑफ मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई विथ इज इक्वल्स टू, राइट, यही आपका फॉर्मूला है। तो इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करें तो चलेगा क्या? तो क्या मैं ऐसे लिखूं, हियर हियर ऑप्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई विथ 100 इक्वल्स टू परसेंटेज, हाँ या ना, हाँ या ना, कॉन्फिडेंस दिखाओ, हाँ, ठीक है। बता सकते हो कि आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए, 425 मार्क्स। टोटल कितने हैं नहीं मालूम है तो उसको x ले लो, मल्टीप्लाई विद 100 और आपको कितने परसेंटेज आए, 85। अच्छा यहाँ पे मुझे 85 डिवाइड बाय 100 लिखने की जरूरत है, सोच समझ के बताओ। देखो देखो, वेरी नाइस, परफेक्ट, चलो तुमने पकड़ लिया। अगर तुम लोग यहाँ पे 100 नहीं लिखते हो तो यहाँ पे आपको 85% लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 100 नहीं लिखते हो तो यहाँ पे परसेंटेज लिखना पड़ेगा। और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1 upon 100, और ये 100 अगर इस तरफ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई 100, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा था। तो ऐसे लिखो तो भी ठीक है, वैसे लिखो तो भी ठीक है, पर आपको समझना होगा कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, और क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज था वो यहाँ पे 100 आ गया। क्लियर? ओके, अब क्या करूँ, मुझे ढूंढना क्या है, अच्छा x डिवीजन में है उस तरफ जाएगा तो
और 85 मल्टीप्लिकेशन में है इस तरफ जाएगा तो क्या मैं ऐसे लिखूं 425 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 85 इज इक्वल्स टू एक्स, हाँ या ना? सही है, कुछ कटकुट हो रहा है क्या? 85 को खोल दो, 5 × 5 = 17. अब कुछ कुछ कट रहा है क्या? ये कट रहे, कटेगा ऐसे लग रहा है. 5 × 8 = 40, 2 × 5 = 25. फिर ये और ये कट रहा है क्या? 17 के टेबल में 17 × 5 = 85. सही है ना? तो 500 इज इक्वल्स टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल्स टू 500. तो आपने कहाँ गए मार्क्स? 425 मार्क्स कितने में से निकाले थे? तो आपके टीचर क्या लिखेंगे? 425 आउट ऑफ 500. डिफिकल्ट था? तो तोते क्यों उड़े हुए? लिख लो. पर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें. इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट वर्ड्स को पकड़ना पड़ेगा. चलो, इलेक्शन आ रहे हैं और दो कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी. कैंडी ए और कैंडी बी, ठीक है. अभी दो उम्मीदवार थे जो इलेक्शन में खड़े रहे थे. जो ए उम्मीदवार है, कैंडिडेट ए, उसको 25,000 वोट्स मिले. कितने मिले? 25,000. 25,000 लोग उसको चाहते हैं. कैंडिडेट बी को कितने मिले? 19,000. और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको ये दोनों ही पसंद नहीं थे. तो इलेक्शन में हमें अगर कोई पसंद ना हो तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है. अगर सबसे ज्यादा पसंद ही नहीं है तो कौन? तो रियल नहीं, तो मेजोरिटी जिसकी होगी उसको मिलेगा. तो नोटा का बेसिकली इंडिया में कोई फायदा नहीं है. जैसे कि मान लो कि तुम्हारी कहान और क्रिश, तुम दोनों की इलेक्शन पार्टी है, ओके, और 5 लोग हैं. कितने हैं? 5 लोग हैं वोट डालने के लिए. तो 5 में से 2 लोगों ने तुमको वोट दिया, 1 लोगों ने इसको वोट दिया, सॉरी 5 में से 2 लोगों ने वोट दिया, क्या नहीं, 5 में से दो लोगों ने वोट दिया, दोनों वोट तुमको दिए, तुमको एक भी वोट नहीं दिया. और 3 लोग थे, उनको इस इलेक्शन पे भरोसा ही नहीं था, तो उन्होंने नोटा में डाला. क्या डाला? नोटा. नोटा समझते हो क्या होता है? नोटा का मतलब होता है, हाँ, नन ऑफ दी अबव, ऊपर दिए गए में से कोई नहीं. ये सबसे आखिर में होता है, सबसे नीचे होता है ये बटन. मतलब हमें इसमें से कोई नहीं चाहिए. तो अभी 2 वोट किसको मिले? क्रिश को. टोटल कितने वोट्स थे? 5. तो कितने वोट्स नोटा को गए? 3. तो मेजोरिटी वोट्स किसको गए? नोटा को. तो इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए. पर इंडिया में ऐसा नहीं होता. इंडिया में जितने भी वोट बटे उसमें से मेजोरिटी में जो गया वो जीता. तो विनर कौन हुआ? तो नोटा का इंडिया में फायदा ही नहीं. हाँ, कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे अगर नोटा के वोट्स विनर वोट्स से ज़्यादा हो तो री इलेक्शन करवाना पड़ता है, या फिर प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाता है. एक देश है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, पर वहाँ पे एक बार मिकी माउस जीत गया था. हाँ, वो लोग क्या करते हैं पता है? नोटा की जगह पे कार्टून कैरेक्टर रखते हैं, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, उस तरीके से कार्टून कैरेक्टर. तो एक बार कार्टून कैरेक्टर जीत गया था, मिकी माउस जीत गया था, सबसे ज़्यादा वोट उसको गए थे. तो ये क्या है? नोटा, नन ऑफ द अबव.
अभी आगे बढ़ते हैं, 11,000 वोट्स आर इनवैलिड, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, 11,000 मान लो नोटा में गए, या तो फिर वो एक दो नाम लिखे वगैरह वगैरह वगैरह, इन वैलिड कितने हैं? 11,000। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि टोटल कितने लोगों ने वोट डाला? टोटल हाँ, ये तो हो गए 30, ये दोनों मिलके तो 30 हो गए ना, 19 और 11, 30, 30, 20, 50, 55, तो टोटल 55,000 वोट थे। अभी आपको किसके परसेंटेज निकालने हैं, ए के या बी के? तो हम क्या लिखे, परसेंटेज इन द सॉरी वोट्स इन द फेवर ऑफ ए, परसेंटेज वोट्स इन फेवर ऑफ ए, इन फेवर ऑफ ए, ए के परसेंटेज हमें निकालने हैं। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई विथ 100। तो इसमें लिखूं वोट्स ऑब्टेन बाय ए, वोट्स ऑब्टेन बाय ए डिवाइड बाय टोटल वोट्स मल्टीप्लाई विथ 100। तो मुझे बता सकते हो कि ए को कितने वोट्स मिले? तो यहां पे मैं क्या लिखूं, 25,000 लिख दूं। टोटल वोट्स कितने थे? 55,000 मल्टीप्लाई विद, कुछ कटकुट हो सकता है तो बताओ, 0 0 0 0 0 0, फिर इसको मैं खोल दूं तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 11 ज़ा, फिर यहाँ पे तो कटेगा नहीं, तो ये ऊपर ऊपर थोड़े कटेगा, हाँ 500 upon 11, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, 5 multiply with 100 यानी कि 500 divide by 11। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और हमें रूल्स के अंतर्गत पता है कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको डिवाइड करो, 500 divide by 11, 11 4 ज़ा 44, सब्ट्रैक्शन करो 6 0, 11 5 ज़ा 55, 5 QRD क्वेश्चन कितना है, 45 इंटीजर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर यानी कि 5 upon 11 परसेंटेज। तो ए उम्मीदवार जो है उसको 100% में से 45% ही वोट्स मिले, मतलब आधे से भी कम मिले, तो भी वो जीत गया, समझ रहे हो? अगर 100% जनता है, कितनी, 100% जनता है, तो भले ही उसको 30% वोट मिले तो भी वो 100% के लिए डिसीजन ले सकता है। ये इंडिया का इलेक्शन सिस्टम है, समझे? फॉर एग्जाम्पल मान लो, इसको और अच्छे से समझाता हूँ, हम दो पार्टीज लेते हैं, यहाँ पे मैं ले देता हूँ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी ले लेते हैं, तीन पार्टी हैं। अभी मान लो कि 100% लोगों का वोटिंग है, कितने प्रतिशत, 100%, पर 100% में से 40% ऐसे लोग थे जो वोटिंग के दिन छुट्टी पे निकल गए, कहाँ पे निकल गए, छुट्टी पे निकल गए। अभी छुट्टी पे निकल गए तो वो 40% वोट तो गए, इनवैलिड हो गए, बचे कितने, 60% है। तो मान लो कि 60% में से आम आदमी 30 30 60 के 30 20 20 हुए, नहीं मान लो कि इसको 22 मिले, इसको 18 मिले और इसको 20 मिले, सही है ना? ठीक है, तो जीता कौन? अच्छा, इसको वोट्स कितने मिले, 22%
पर ये 100% लोगों के ऊपर वर्क करेगा। तो 40% जिन्होंने वोट नहीं भी दिया है उनको भी इनकी बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट इनके फेवर में थे। अब समझ में आया? तो आपका फ्यूचर क्या होगा वो कितने प्रतिशत लोग डिसाइड करेंगे। इसलिए वोट करना जरूरी है कि आप चुनो, भले ही आपको कोई भी अच्छा ना लगता हो, बट सबसे कम बुरा कौन लगता है उसको जाके वोट देना चाहिए। अगर 3 पार्टी हो तो सबसे कम बुरी पार्टी कौन सी है उनको आपको वोट देना चाहिए। यह है इंडियन इलेक्शन सिस्टम, इसी तरीके से काम करता है। अगर मान लो 11% भी हो और दूसरे को 10% हो तो भी वो 11% वाला जीतेगा। हाँ, पावर्स उतनी नहीं होगी, जितनी ज़्यादा परसेंटेज उतनी ज़्यादा पावर। पिछली बार बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली थी 270 के आसपास, राइट? तो उनकी पावर उसी के हिसाब से बढ़ जाती है, क्लियर? तो जितनी ज़्यादा लोग वोट करेंगे और आपके फेवर में वोट करेंगे उतने ही ज़्यादा पावर बढ़ेगी। अभी बीजेपी को पिछले कंपैरिजन में इस बार कम वोट्स मिले हैं, तो अभी बीजेपी जीत गई है पर पावर कम। क्लियर? लिख लो। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि कैंडिडेट बी को कितने वोट्स मिले होंगे, कितने परसेंटेज? यहाँ पे पूछा नहीं है पर अगर आपको पूछ ले कि कितने प्रतिशत वोट बी को मिले हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। करो, हाँ, मतलब ये पहले लिखो बाद में वो करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मकान वगैरह खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? मकान। हाँ, क्या हुआ? गलत है, ठीक है, कोई बात। द वैल्यू ऑफ अ हाउस हैज डिक्रीज्ड बाय 10%। मान लो कि आपने कोई घर खरीदा था, उसकी कीमत घट गई। अच्छा, कीमत कब घटती है घर की? ठीक है, अगर प्राइम लोकेशन पे ना हो तो कम होती है। फिर और कौन से रीजन है मकान का दाम कम होने के? मकान quality. हाँ, क्वालिटी ऐसी हो कि क्रैक्स आने लगे, लीकेज होने लगे तो दाम घट जाते हैं। फिर और कुछ? मान लो कि आपने बहुत ही अच्छे एरिया में घर लिया और अचानक से उसके आसपास स्लम हो गया। क्या हो गया? स्लम, गाय भैंस बकरी वाले आसपास हो गए, तो वो एरिया कैसा हो जाएगा, लोकेलिटी कैसी हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो वहाँ पे अच्छे लोग आना पसंद करेंगे तो भी घर के दाम, तो घर के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, कम भी किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे घर का दाम मुझे बढ़ाना हो और गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हो, तो मैं मोदी जी को बोलूँ कि मोदी जी यहाँ पे ना वो गवर्नमेंट का कोई स्कीम वाटर पार्क वगैरह बना दीजिए ना, और मोदी जी ने बोला हाँ अच्छा है मित्रों, और यहाँ पे अगर वाटर पार्क बन गया तो मेरे घर की कीमत बढ़ जाएगी। तो क्या गवर्नमेंट इसी तरीके से मतलब बायस्ड कर सकती है क्या, मतलब अपने दोस्तों के घर के दाम बढ़वा सकती है क्या, क्योंकि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कीम डाल देंगे तो भाव, और उसे उल्टा भी कर सकती है। मान लो कि मैं उनका दुश्मन हूँ तो ऐसे भी तो कर सकती है ना कि मेरे आसपास वो स्लम एरिया बढ़े, ऐसा कुछ गवर्नमेंट कर दे, मेरे आसपास वो कुछ खोल दे ऐसा कि सारे वो स्लम एरिया यहाँ पे आ जाए, सब्जी मंडी डिक्लेयर कर दे यहाँ पे। तो गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा हो ना हो पावर बहुत ज़्यादा होती है, और पावर से ही पैसा जनरेट हो सकता है। तो पावर और पैसा दोनों ऐसे ही है, अगर पावर बढ़ी तो पैसे, और पावर कम हुई तो पैसे भी। तो यहाँ पे मान लो कि आपने घर खरीदा था, उस घर का दाम जो है वो 10% से कम हो गया, तो मान लेते हैं उसका ओरिजिनल प्राइस एक्स है, तो क्या मैं ऐसे लिखूं हियर ओरिजिनल प्राइस। अच्छा, दाम घट रहा है ना, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे, अच्छा घट रहा है तो उसको प्लस लिखेंगे या माइनस? घट रहा है तो प्लस, हाँ बढ़ रहा है तो प्लस। तो क्या मैं ऐसे लिखूं माइनस
प्राइज्ड प्राइस डिक्रीज्ड इक्वल्स टू व्हाट? हाँ देखो, ओरिजिनल प्राइस में से इतना भाव घटा तो ये क्या बचा हुआ भाव हुआ? हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? प्राइस नाउ, प्राइस नाउ, प्राइस नाउ। ये ना समझ में आया हो तो मुझे बताओ, तो मैं फिर से समझाऊँ। कौन सी? हाँ वो भी कर सकते हैं कि अगर 10% कम हुआ है तो अभी उसका भाव कितना है? 90, पर कितना है वो नहीं पता ना। ठीक है, तो अभी नॉर्मल से ही करते हैं, बाद में उससे भी ट्राई करूंगा मैं, फिकर मत करो। इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है? हाँ वो तो प्राइस नाउ है ना, इज नाउ। हाँ तो ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं कि एक्स है, माइनस प्राइस डिक्रीज, भाव कितना कम हुआ? 10% ना, 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ व्हाट? ओरिजिनल या फाइनल? ओरिजिनल। 10% ऑफ ओरिजिनल। शुं थयुं दीका? ओके, और प्राइस नाउ अभी भाव कितना है? 24 लाख प्योर है बदे 30,000। इसको सॉल्व करें, ठीक है, एक्स को एक्स ही रहने दो, माइनस 10%, परसेंट का मतलब 1/100, ओरिजिनल प्राइस एक्स इक्वल्स टू 24,30,000। ना समझ में आया तो बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कटकुट हो सकता है क्या? कैंसिल, तो ये क्या बचा? x माइनस x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 24,30,000। हाँ या ना? LCM ले ले, कुछ नहीं है, यानी कि 1 नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। एक्स टेंजा माइनस 1x डिवाइड बाय 1 टेंजा इक्वल्स टू 24,30,000। सो 10x माइनस 1x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 24,30,000। 10 को इस तरफ ले जाएंगे तो डिवीजन में से मल्टीप्लिकेशन, और 9 को नीचे लेके जाए तो, हाँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? x इज इक्वल्स टू 24,30,000 मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइड बाय 9। हाँ या ना? अभी 243 को 9 से डिवाइड किया जा सकता है? 243, हाँ 243 को ऐड करो और 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो, 3 के जैसा ही था। 2 + 4 = 6, 6 + 3 = 9, मतलब वो 9 से कैंसिल होगा, तो 9 से कट कुट करो इसको, 243 को, 9 1 = 9, 9 2 = 18, 24 - 18 = 6, 6 + 3 = 63, 9 7 = 63, तो 27,000, तो x इज इक्वल्स टू 27,000,000। तो ये है मकान की ओरिजिनल कीमत कितनी? 27 लाख में खरीदा था, नुकसान कितना हुआ? 10% का, यानी कि कितना नुकसान होगा पता है? 2,70,000 का, 2,70,000, यानी कि 3.5 लाख कम हो गए, 3.5 लाख, नॉट अ जोक। सही है कि नहीं? इजी है, पक्का कर सकते हो, लिख लो। हाँ कहान वाली टेक्निक से कैसे करें, चलो बताओ। हाँ मान लो इसी प्रॉब्लम को करना है, 10% है, हाँ बताओ बताओ। अच्छा देखो, 10% भाव गिरा तो बचा कितना? 90%, तो 90% के बराबर क्या होगा?
हाँ, तो क्या मैं और ऐसे लिखूं 10% प्राइस डिक्रीज्ड, सो 90% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 24,30,000, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो 90% भाव बचा हुआ है और 90% भाव के बराबर ही तो ये है। हाँ। तो क्या मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा? अभी इसको सॉल्व करो, 90% यानी कि 1/100 एक्स इज इक्वल्स टू 24,30,000 विल गेट कैंसिल, 10 ऊपर जाएगा 9 नीचे जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू 24,30,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 9। सेम ही तो लग रहा है। तो यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू 27,00,000 27,00,000। ये भी सही है, ये भी सही है। आपको जो अच्छा लगे आपको करना चाहिए, पर मार्क्स के हिसाब से करना चाहिए। अगर एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए दिया है और आप 4 लाइन लिख के आ जाते हो तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे। पर हाँ, 2 मार्क्स के लिए पूछा है और आप इतना लंबा लिख रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मार्क्स के हिसाब से लिखना सीखिए। कितना है आउट ऑफ हाईएस्ट? क्या बात है। तुम्हारे सेकंड पोजीशन पे कौन है? चलो एग्जांपल 5, द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इज 1500। किसी एक स्कूल की बात हो रही है जिस स्कूल में 1500 बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो करंट स्ट्रेंथ कितनी है उसकी? करंट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, संख्या, 1500। हाँ जी, मैं समझाता हूँ। देखो 1500 बच्चे थे करंटली, अभी 150 बच्चों ने और एडमिशन लिया, 150 बच्चों ने और एडमिशन लिया, तो प्लस कितने हुए? 150। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ न्यू एडमिशंस है 150, 150 बच्चों ने एडमिशन लिया। तो तुम मुझे बता सकते हो कि टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं? 1650, 1650 बच्चे अभी हो गए। तो बोल रहे हैं व्हाट परसेंट इंक्रीज इन द स्कूल स्ट्रेंथ, तो स्कूल की मौजूदा संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, कितने प्रतिशत बच्चे बढ़े। तो एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, उसको हमेशा याद रखो, कि परसेंटेज इंक्रीज अगर ढूंढना हो, क्या बोल रहा हूँ, परसेंटेज इंक्रीज अगर ढूंढना हो या डिक्रीज अगर ढूंढना हो, चलो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में एक ही फॉर्मूला काम करेगा, और वो फॉर्मूला है चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई विथ 100। ये फॉर्मूला याद रख पाओगे? परसेंटेज बढ़ रहे हो या कम हो रहे हो तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। चेंज का मतलब बदलाव, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल क्या था वो, मल्टीप्लाई विथ 100। तो इस केस की बात करें तो तुम मुझे बता सकते हो कितने नंबर का चेंज आया? 150। तो 150 बच्चों का चेंज आया 150। ओरिजिनली कितने बच्चे थे स्कूल के पास? 1500 मल्टीप्लाई 100। कुछ कटकुट हो सकता है क्या? हाँ, कहीं पे भी काटो चलेगा। 15 को खोल दो, ए डायरेक्ट ही कर दो ना, 15 times। हाँ वैसे भी कर सकते थे, तो 10%। तो कितने परसेंट बच्चे बड़े? 10. हो गया खत्म। तो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल्स टू चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला याद रहेगा, लिख लो। बोलो बोलो सर, इसको 1500 प्लस 150 1650 आया। हाँ, तो 150 का परसेंटेज निकाल के जो
करो, ट्राई करो, कोशिश करने से ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। डर क्यों रहे हो? चलिए, 9900 बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। कितने? 99। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट्स जो बोर्ड के लिए अपीयर होने वाले हैं वो है आपके 9900। ठीक है, उसमें से एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आने के बाद पता चला कि 45% बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन सिक्योर किया। उसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट क्लास। फिर 35% स्टूडेंट ने सेकंड डिवीजन, मतलब सेकंड क्लास। 10% वेर अलाउड टू कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम, मतलब क्या? हाँ, वो बताया ना कि किसी एक के दुखे सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फिर वो फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, तब तक उसको पास या फेल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो वो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में 10% है और बाकी फेल हो गए। ठीक है, तो बताइए कि हर कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो कैटेगरी कितनी है पहले तो ये बताओ। फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी है और फर्स्ट डिवीजन में कितने बच्चे हैं? 45% ऑफ व्हाट? हाँ नहीं, 10% कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए गए, रेस्ट फेल्ड वो करेंगे करेंगे। हाँ वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। रुको, करते हैं। फर्स्ट क्लास लाने वाले कितने बच्चे हैं? 45% ऑफ टोटल। ऑफ टोटल लिख दूं, चलेगा या नहीं? फिर सेकंड डिवीजन में कितने हैं? 35% ऑफ व्हाट? ऑफ टोटल। फिर कंपार्टमेंटल, टेन परसेंट ऑफ टोटल। और रेस्ट फेल्ड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेल्ड, कितने प्रतिशत बच गए? देखो 45 और 35 80 और 10 तो बचे कितने? 10। तो 10% बच्चे फेल हुए, 80% रिजल्ट हुआ। ये कंपार्टमेंटल का वो उनका रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो 10% बच्चे जो है ऑफ टोटल वो फेल हो गए हैं। तो बोल रहे हैं हर उसमें कितने बच्चे हैं वो आपको बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला तो अवेलेबल है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 45% ऑफ टोटल यानी कि क्या? 45 इंटू 1/100 और टोटल 9900। 0000 विल गेट कैंसर। 45 99 करो कितना होता है? फिर नेक्स्ट है 35% ऑफ टोटल। 35% यानी कि 1/100 मल्टीप्लाई टोटल 9900। फिर नेक्स्ट है 10% ऑफ टोटल, 1/100 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6
परसेंट ऑफ 6035 कितना 6035 फिर से तीनों रे चेक करो, तीनों का अलग कैसे आ सकता है? अगर गलत तो है ना तो हम दोनों बहुत मारे। हाँ तो देख ले। 45 × 99 इसको बहुत। 45 यार है सर। एक वो आपको ये याद है? आपको कुछ याद दिलाता हूँ। यहाँ पे देखो तो सही, पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 45 × 99 है, तो क्या मैं उसको 45 × 100 - 1 लिख सकता हूँ क्या?
बाद में कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। 4500 माइनस 45 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 500 में से 40 निकालो, 40 460 हाँ 4 4 7 5 2 5 6 5 5 सिंपल सब्ट्रैक्शन 45 460 440 अरे 500 में से 40 रुपए निकालो ना, 500 में से 40 निकालो, 460 में से 5 निकालो, 455 हाँ हाँ तो 4 4 5 5 4 4 5 5 किसका सही था? मेरा। ठीक है तो पहले में कितना आया? 4 4 5 5 अभी देखो इसमें 35% ऑफ टोटल, यहाँ पे भी 0 0 कट, यहाँ पे भी 0 0 कट, तो इसको वो डायरेक्ट मल्टीपल वाली मेथड से नहीं, इस मेथड से करो मेंटली ही हो जाएगा। 3500 माइनस 1 3500 माइनस 35 माइनस 35 मतलब 500 में से 35 माइनस करने हैं 35 तो कितना हो जाएगा? 3465 मेंटली कर लिया तुम लोगों ने 3465 फिर इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है। 990 आखिर में भी 990 तो ये हो गए हर कैटेगरी में स्टूडेंट्स, सही है? लिख लो नहीं होते हैं, एक वक्त तो हर किसी का आता है, उसमें आपके पास बेशुमार दौलत होती है, बहुत दौलत, पर उस वक्त पे आप क्या करते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लो तुम सबको मैं 10-10 करोड़ रुपए दो, कितने? 10 करोड़ सपने देख रहे हो, और आपको ये शर्त दे दूं कि आपको पूरी ज़िंदगी टापू पे रहना है 10 करोड़ के साथ, पूरी ज़िंदगी टापू पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाना पानी कुछ भी नहीं, तो 10 करोड़ की वैल्यू क्या होगी? कुछ भी नहीं। तो पैसों की वैल्यू तभी है जब आप उस पैसों का इस्तेमाल कर पाए, जिस दिन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाए वो पैसा धूल है। जैसे कि मान लो आप घर में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? जिसे भी करते हो, भगवान ना करे किसी के भी साथ ऐसे हो, पर उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई जो पैसों से ठीक नहीं होती, और आपके पास कितने भी पैसे हो क्या काम के? तो दुनिया में आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, इसीलिए लोग अक्सर बोलते हैं कि पैसा हो या ना हो बर्ताव ठीक रखो। क्या? अपना बर्ताव। अगर पैसे ज़्यादा हो तो घमंडी मत हो जाओ, अगर पैसे कम हो तो मायूस मत हो जाओ, ठीक है? अपना बर्ताव सही रखो, सभी को अच्छे से बुलाओ, सभी के साथ रिश्ते रखो, और जब ज़रूरत पड़े तब खराब वक्त में आगे रहो, अच्छे वक्त में पीछे रहो। अगर आपके दोस्त का खराब वक्त है तो उनके घर जाओ, ठीक है? और अच्छा वक्त है आप उसको नहीं बुलाओ तो चले, सही है? ठीक है चलो। अ पर्सन डोनेट्स 10% ऑफ हिज सेविंग टू चैरिटी। एक इंसान है जो 10% उसके सेविंग जो है वो चैरिटी में देता है। किस में देता है? चैरिटी मतलब दान कर देता है। एंड ही डिस्ट्रीब्यूट्स द रेस्ट अमोंग हिज 3 children इक्वली। और जो बचा हुआ पैसा है वो अपनी 3 संतानों में बरोबर बरोबर बांट देता है। अगर उसकी सेविंग्स 75 है, अगर उसकी सेविंग्स 75,000 रुपीज है, तो बताइए कि चैरिटी में कितना दे रहा है और हर बच्चे को कितना मिल रहा है। तो पर्सन डोनेट्स 10% ऑफ हिज सेविंग्स टू चैरिटी। हाँ बताओ बताओ, थोड़ा ट्रिकी है, वर्ड को समझो। क्या समझे? सर, हमें पहले 75,000 का 10%
10% वो दान में दे रहे, उसकी टोटल सैलरी कितनी है पहले तो ये डिसाइड करो। 75,000 टोटल, नहीं टोटल सैलरी कितनी है वो तो है ही नहीं ना, तो टोटल सैलरी मान लेते हैं कि x है। सेविंग्स कितनी है? 75,000 सेविंग्स जो है वो है 75,000 रुपीस, थाउजेंड रुपीस, और 10% ऑफ हिज सेविंग, 10% सेविंग की वो चैरिटी में दे रहा है, तो चैरिटी कितनी है? नहीं चैरिटी कितना कर रहा है, यानी कि 10% ऑफ व्हाट, ऑफ सेविंग्स, 10% ऑफ सेविंग। अच्छा 10% को 10% ही रहने दो, 10 मल्टीप्लाई 1/100, और सेविंग्स कितनी है? 75,000 रुपीस। कुछ कटकट हो रहा है क्या? 0,0,0,0, तो कितना वो 7,500 रुपीस वो चैरिटी में दे रहा है, तो चैरिटी वाला आंसर तो हमें मिल गया, 7,500 रुपये वो चैरिटी में दे रहा है। बचा हुआ पैसा, बचा हुआ पैसा वो अपने 3 बच्चों को इक्वली बांट रहा है, तो कितना पैसा बचा? हाँ सेविंग्स लेफ्ट, सेविंग लेफ्ट, कितना सेविंग्स बचा, तो इसको क्या लिखूं? 74,000। हाँ मतलब क्या लिखूं, सेविंग्स माइनस चैरिटी, सेविंग्स लेफ्ट मतलब सेविंग्स माइनस चैरिटी। सेविंग्स उसकी थी 75,000 और उसमें से उसने 7,500 चैरिटी कर दी, तो अभी बचे कितने? पक्का 6,7,500 बचे। अभी ये जो पैसे बचे वो अपने 3 बच्चों को इक्वली दे रहा है, तो ईच चाइल्ड गेट्स हर बच्चे को कितना मिलेगा, क्या फॉर्मूला लिखूं? सेविंग्स लेफ्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ चाइल्ड, सही है ना, पहले फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा, यानी कि 6,7,500 डिवाइड बाय 3, कट कट करके बताओ कितना हो जाएगा, 3 2 6 3 2 6 15 3 5 15 0 0, सही है ना, तो 22,500 हर बच्चे को मिलेगा, सही है, हर बच्चे को 22,000 मिल रहा है, और इसकी सेविंग 75,000 है तो इसकी तनख्वाह कितनी होगी? देखो 10% वो गिन सकते हो क्या टोटल, इसमें पूछा नहीं है, पर ये जो डोनेट कर रहा है ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट्स द रेस्ट अमंग 3 चिल्ड्रन, ये इतना बच्चों को दे रहा है वो 10% ही है, तो टोटल कितना होगा? अगर 10% 75,000 है तो 100% कितना होगा, कितना होगा, और एक जीरो लगा दो इसमें 7,50,000 सैलरी होगी शायद, साल की होगी या महीने की वो नहीं पता, अरे पर साल की भी यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है ना कि महीना है या साल है, अगर 22,500 साल के हैं तो ठीक है ना, महीने के हैं तो हाँ इजी है, लिख लो। अंबानी, हाँ सही है, तो अभी एक्सरसाइज 8.2 है सर जी, टोटल 18 प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम करने हैं, बताता हूँ रुको।